राज्यसभेत नरेंद्र मोदी बोलतात, थेट जाऊया। तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे साथी नए दायित्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस सीमित विस्तार से एक बड़े विस्तार की तरफ जा रहे हैं, राज्यसभा से निकल करके जनसभा में जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं उनका साथ, यहां का अनुभव, इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं तब देश के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बनकर के निकलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में भी 3-4 साल के बाद एक नया व्यक्तित्व बाहर निकलता है, ये तो 6 साल की विविधताओं से भरी हुई है, अनुभव से घड़ी हुई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां 6 साल रहने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा निखर करके निकलता है, ऐसा तेजस्वी बन करके जाता है, वो जहां भी रहता है, जिस भूमिका से रहता है, वो अवश्य हमारे कार्य को अधिक ताकतवर बनाएगा, राष्ट्र के काम को गति देने का सामर्थ्य देगा। ये जो माननीय सांसद जा रहे हैं, एक प्रकार से वो वैसे ग्रुप है जिनको दोनों सदन में रहने का, पुराने वाले सांसद के भवन में भी और नए वाले सांसद के भवन में भी उनको रहने का अवसर मिला। ये साथी जा रहे हैं वो आजादी के 75 वर्ष अमृत काल का, उसके नेतृत्व का साक्षी बनकर के जा रहे हैं, और ये साथी जो जा रहे हैं हमारे संविधान के 75 साल, उसकी भी शोभा बढ़ाते हुए आज हम सबों के साथ जा रहे हैं, तो अनेक स्मृतियां लेकर के जा रहे हैं। हम वो दिन भूल नहीं सकते कि कोविड के कठिन कालखंड में हम सब ने परिस्थितियों को समझा, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को घड़ा, यहां बैठने के लिए कहा तो यहां बैठो, वहां बैठने के लिए कहा तो वहां बैठो, उस कमरे में बैठने के लिए कहो, किसी भी दल के किसी भी सांसद ने ऐसे विषयों को लेकर के
देश के काम को रुकने नहीं दिया और कोरोना के वो कालखंड जीवन और मौत का खेल था, घर से बाहर निकले पता नहीं क्या होगा, उसके बाद भी माननीय सांसदों ने सदन में आकर के देश की जिम्मेवारियों को निभाया, देश को आगे बढ़ाया और इसलिए मैं समझता हूं उस कालखंड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। संकटों के बीच भी भारत की संसद में बैठे हुए व्यक्ति कितने बड़े दायित्व को निभाने के लिए कितना बड़ा रिस्क भी लेते हैं और कितनी कठिनाइयों के बीच में काम भी करते हैं, इसका अनुभव भी हमें हुआ। सदन में खट्टे मीठे अनुभव भी रहे, हमारा कुछ दुखद घटनाएं भी रही, कोविड के कारण हमारे कुछ साथी हमें छोड़ के चले गए, आज हमारे बीच नहीं है, वो भी सदन के इसी कालखंड के कुछ प्रतिभाएं थी जो हमारे बीच से चली गई, वो एक दुखद घटना को हमने स्वीकार करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे। और भी ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला, तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता। और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे।